बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूं। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स के अबाउट हम वीडियो बना दिए हैं हमने और उनके ऊपर वर्किंग जारी है और जल्द ही आपको वो वाली वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, ठीक है, आप उनको भी देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक के लिए टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके मतलब बता दिया हुआ था कि जो प्रीवियस वीडियो थी आपने उसको जहन नशीन रखना है, क्योंकि ये जो हमारा अब इस वाला टॉपिक है, आज वाला इस वीडियो वाला, ये उसी के रिलेटेड है सारा, यानी उसी को लेकर आगे हमने मूव ऑन करना था, ठीक है। कुछ इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में अंदर, जो कि थी आपके पास वेलोसिटी इक्वेशन थी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम थी, उन इक्वेशन को लेकर आगे फर्दर हमने चलना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आप जो प्रीवियस वीडियो है उसकी इक्वेशन को याद कर लें, ताकि अगली वीडियो में आपके लिए आसानी हो, कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना आप कंफ्यूज हो सके कि ये वाली इक्वेशन आपके पास कहां से आ रही है। इसलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको इसका सारा इंट्रोडक्शन आपको पहले से बता दिया होगा। लेकिन आज के लिए जो टॉपिक है उसका नेम वाइज उसको देखिए तो आपके पास आ रहा है केसेस फॉर इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन, कि इलास्टिक कोलाइजन जो होती है इन वन डायमेंशन, उसके लिए जो कुछ केसेस होंगे, ठीक है, उन केसेस को हमने डिस्कस करने वाज और इक्वेशन हमने पुरानी यूटिलाइज कर दी है, उनको लेकर आगे हम मूव ऑन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, आपके पास जो केस नंबर 1 है, ठीक है, केसेस से ही स्टार्ट हो रहा है हमारे पास टॉपिक। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में क्या कहते हैं देख लेते हैं इसको जरा। केस वन में कहते हैं व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल, कि जब आपके पास दो मैसेज थे m1 और m2, वो दोनों ही इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, ना उनमें से कोई बड़ा है ना उनमें से कोई छोटा है, बिल्कुल इक्वल है, तब क्या होगा उसको देख रहे हैं। कहते हैं व्हेन m1 एंड m2, व्हेन m1 is equal to m2 and is equal to m, then, यानी जो आपके पास पहला केस है, पहले केस में m1 बराबर है m2 के और दोनों को कंबाइन हमने बराबर कह दिया, इक्वल कह दिया सिंपल m के, ठीक है, इधर ये सिंपल m है। m1 is equal to m2 and m1 and m2 कंबाइन इक्वल आएंगे एक सिंपल टर्म m के, ठीक है, सिंपल डिजिट m के, ठीक है। अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू मैस वन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मैस 1 और वेलोसिटी की जो इक्वेशन हमने ड्रा की थी, अगर इसके डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेंगी। आपके दो पास दो मैसेज है, दोनों मैसेज ही एक ही तरह के हैं, एक ही साइज है उनका, ठीक है, और जो वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, वो क्या होगी v1 v2 यानी m1 m2 वेलोसिटी क्या आ रही है v1 वेलोसिटी आ रही है v2। फिर कहते हैं कि इनकी जो आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन था, बिफोर कोलिजन और जो आपके पास दूसरा केस आएगा वो क्या आएगा, ये आपके पास m1, ये आपके पास m2, ठीक है, ये आएगा आपके पास आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या केस आएगा, ठीक है। कहते हैं इस वक्त जो आपके पास वेलोसिटी है v1 प्राइम होगी v2, वेलोसिटी जो होगी v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, ठीक है, ये थोड़ा सा
कि चेंज आ रहा है, ठीक है, एक न्यू केस है, न्यू टर्म है आपके पास, क्या प्रोसेस है? कि इनिशियली लास्ट की तो थी जो दोनों की, वो आपके पास आ रही थी एक V1 एक थी V2, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी थी, यानी जो आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी जो थी, पहले वाली फाइनल वेलोसिटी वो बन गई किसके इक्वल, दूसरे वाले इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, और दूसरी वाली जो फाइनल वेलोसिटी थी वो किसके बन गई, पहले वाली इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, यानी क्या आ गया V1' = V2, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ V1 = इनिशियल वेलोसिटी ऑफ V2, सेम लाइक दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ V2 = इनिशियल वेलोसिटी ऑफ V1, ये आप स्टूडेंट देख ले रहे हैं। अब अगर इक्वेशन यूज करें, ठीक है, इन दिस केस इक्वेशन आपके पास जो बनेगी वो इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, जो प्रीवियस हमने इक्वेशन ड्रा की, ठीक है, इक्वेशन जो हमने ड्रा की थी फॉर वेलोसिटी V1 प्राइम के लिए, ठीक है, V1 प्राइम के लिए जो हमने इक्वेशन ड्रा की थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है हमने, क्या बन जाएगी आगे फर्दर देखते हैं उसको। इक्वेशन आपके पास आ रही थी V1 prime is equal to M1 minus M2 divided by M1 plus M2, ठीक है, साथ आपके पास आ रहा था V1 plus 2M divided by M1 plus M2, साथ आपके पास आ रहा था V2, ठीक है, ये आपके पास ही इक्वेशन। अब कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमारे पास अभी मौजूद है, ठीक है, क्या बनेगा कि आपके पास हमने क्या कहा हुआ है कि जो मैस है M1 है बराबर है M2 के और M2 बराबर है M के, यानी M1 = M2 = M, सिंपल है, ठीक है, दोनों जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं वो दोनों मैसेज ही किसके इक्वल आ रहे हैं, दोनों मैसेज इक्वल आ रहे हैं सिंपल M के, आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, M1 M2 की जगह सिंपल M1 करते जाए, आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन भी अरेंज हो गई, ठीक है, इक्वेशन में वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, इक्वेशन में जहां जहां M1 आ रहा था M2 आ रहा था उधर हमने क्या किया सिंपल M पुट कर दिया, ठीक है, जहां M1 था उधर भी हमने क्या पुट किया M, जहां M2 था उधर भी क्या पुट कर दिया M, तो अब देखिए M प्लस का M माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यानी आपके पास क्या आएगा V1' = M - M0 0 divided by M plus M साथ आ रहा है V1 plus 2M divided by M plus M आपके पास क्या आएगा 2M M plus M student क्या होता है आपके पास M plus M 2M into V2 अब क्या होगा आपके पास 0 over something 0 0 multiplied by something 0 तो आपके पास क्या आएगा V1' ये सारा आंसर आपके पास 0 प्लस 2m 2m के साथ कट गया बाकी रह गया 1 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे V2 के साथ तो V2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा यानी अब क्या बचेगा आपके पास V1' = 0 प्लस 1 V2 यानी V2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 और V2 को जब आप 0 से प्लस करेंगे तो फिर भी V2 यानी आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है V1' = V2 तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो आपके पास वेलोसिटी 1 आफ्टर कोलिजन जो होती है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैस M2 ठीक है मैस 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आती है मैस 2 के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आती है ठीक है एंड अब दूसरी दफा हमने प्रूव करना है कि जो आपके पास V2 प्राइम है वो बराबर है V1 के सिमिलरली यू कैन से दैट बाय यूजिंग इक्वेशन V2 प्राइम वाली इक्वेशन हमारे पास थी V2 प्राइम
इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपके पास आ रही थी 2m डिवाइडेड बाय 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में था v1 प्लस m1 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन फॉर v2 बाय। अब इसमें से ये भी आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2 और ये दोनों कंबाइन इक्वल होगी m3, यानी जिधर m1 या m2 आ रहा है आपने सिंपल m पुट करते जा रहे हैं, तो क्या बनेगी इक्वेशन, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m इनटू v1 प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो ये आपके पास आ जाएगा v2। अब स्टूडेंट v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय 2m इनटू v1 प्लस, ये कट गए 0 ओवर 2m इनटू v2। ठीक है, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, वी नो दैट 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये इसके साथ कट गए, आपके पास v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस 0, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो मास m2 की फाइनल वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2 इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1। तो इसी तरह दोनों वेलोसिटीज को हमने प्रूव कर दिया कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, कहते हैं द मास m1 एंड m2 एक्सचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अगर इसका रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में कहते हैं, रिजल्ट में कहते हैं मैसेस m1 एंड m2 मैसेस m1 एंड m2 चेंजेस एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज after collision। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला कि जो आपके पास मैसेज थे m1 और m2, ठीक है, वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कैसे करते हैं कि जो m2 की पहले वाली वेलोसिटी है वो चली जाती है m2 के फाइनल वेलोसिटी के पास, और जो फाइनल m2 की फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वो चली जाती है मास m1 की फाइनल वेलोसिटी के पास। ये इस तरह अपनी इक्वेशंस को, अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज करते हैं, चेंज नहीं करते हैं बल्कि एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, m1 की m2 के पास चली जाती है, m2 की m1 के पास चली जाती है। ये केस था आपके पास, पहला केस था जिसमें हमने कहा m1 बराबर था आपके पास m2 के और m2 बराबर था m के, तो हमने जिधर जिधर m1 और m2 आ रहा था हमने m सिंबल पुट करते गए और अपनी इक्वेशन को हल कर लिया। नेक्स्ट जो दूसरे केस हमारे पास आता है वो केस है व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल व्हाइल द टारगेट मास इज एट रेस्ट। ठीक है, कहते हैं m1 और m2 तो इक्वल है लेकिन टारगेट मास जो है वो रेस्ट में है, यानी जो दूसरा मास है m2 वो रेस्ट के अलग में होगा, तो क्या होगा इसको देख लेते हैं। केस 2, when m1 is equal to m2 and target mass m2 is at rest, so v2 is equal to 0। तो इस केस में आपके पास जो वेलोसिटी v2 है वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है,
v2 वेलोसिटी 2 के टारगेट मास m2 की वेलोसिटी थी तो वो क्या आएगी आपके पास 0 आएगी। तो इस केस में स्टूडेंट आपके पास अगर डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगी, m1 m2 ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है इज इक्वल टू 0 ठीक है, वेलोसिटी v2 जो आ रही है वो 0 आ रही है ठीक है, बिफोर को लेंगे आफ्टर को लेंगे क्या होगा, आफ्टर को लेंगे क्या होगा, जाके टकराएंगे चूंकि m2 तो रेस के अलग में था तो क्या होगा m1 मूव करते हुए जाएगा टकराएगा जाके m2 के साथ, वो क्या करेगा m2 को स्पीड अप भी प्रोवाइड करेगा, m2 मोशन में आ जाएगा और जो m1 था वो दोबारा रेस के अलग में आ जाएगा, यानी क्या होगा इनकी जो वेलोसिटी होगी v1' = 0 और v2' = v1, यानी v1 जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था बाद में आफ्टर कोलिजन मास m2 v1 के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा और m2 पहले 0 पे था और आफ्टर कोलिजन m1 क्या होगा 0 पे आ जाएगा, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाती है आफ्टर कोलिजन। और इन्हीं को हमने प्रूव करना है ठीक है कि जो v1' है वो 0 के इक्वल आए और v2' जो है वो v1 के इक्वल आए ठीक है। इस केस के लिए स्टूडेंट कहते हैं दोबारा से इक्वेशन को हम यूज करेंगे, इक्वेशन ये वाली v1' = m1 - m2 / m1 + m2 * v1 + 2m / m1 + m2 * v2 ठीक है। अब कहते हैं कि आपके पास जो m1 और m2 था सिंपल आपने वही करना है, क्या करेंगे कि m की जगह m1 और m2 की जगह आपने सिंपल m पुट कर देंगे ठीक है, तो वो पुट करें कि आपके पास आंसर आएगा v1' = m - m / m + m into v1 + 2m / m + m और v2 का आंसर आपके पास इस केस में आ रहा है 0, यानी हमने कहा हुआ है कि जो टारगेट मास है यानी मास m2 जो आपके पास आ रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v2 0 के इक्वल है ठीक है, वेलोसिटी v2 = 0 आ रही है। तो अब आप देखें क्या बनेगा, ये इसके साथ कट गया यानी v1' = 0/2m साथ आगे v1 + 2m / 2m * 0 ये इसके साथ 0, तो ये देखिए v1' = ये भी 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होके तो 0 आंसर आ जाएगा v1' = 0। तो ये हमने प्रूव करना था वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 = 0 ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो v2 आएगा v2' = 2m1 / m2 / v1 + m2 - m1 / m2 / v2 ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या कर रहे हैं v2' = 2m / m + m * v1 + m - m / m + m v2 था तो v2 आपके पास आ गया 0 ठीक है, v2 आपके पास क्या आ रहा था 0 आ गया। तो अब कुछ करेंगे वैल्यूज को v2' = 2m / 2m * v1 + ये इसके साथ कट गया तो 0
ओवर एम प्लस एम आ गया टू एम इंटू जीरो। ठीक है, तो अब अगर आप पुट करें वैल्यू तो क्या आएगा, यू कैन सी दैट वी टू प्राइम इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए वन बच गया वी वन आ गया इज प्लस, ये जीरो के साथ जब कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो आंसर आपके पास आता है जीरो, तो वी वन प्लस जीरो वी टू प्राइम इज इक्वल टू वी वन प्लस जीरो का आंसर जो आता है वो आता है वी वन, वी टू प्राइम इज इक्वल टू वी वन। तो ये हमने प्रूव करना था केस नंबर टू में, जब आपके पास मैसेज तो दोनों दोबारा से इक्वल थे लेकिन क्या हुआ कि जो टारगेट मटेरियल था यानी जो मैस M1 था वो मूव कर रहा था वेलोसिटी V1 के साथ, लेकिन जो मैस M2 था वो एट रेस्ट था यानी उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी। तो इस केस में आपके पास ये वेलोसिटी आ गई, दोबारा से रिजल्ट वही निकला कि आपको बोला ये मैस M1 कम टू रेस्ट एंड M2 मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ M1, कि कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो मैस M2 था यानी मैस M1 था वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, और मैस M2 जो था वो मैस M1 वाली वेलोसिटी गेन करके मोशन में आ जाता है यानी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थी स्टूडेंट आपके पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं केस नंबर 4 की तरफ 3 की तरफ। केस नंबर 3 में हमें क्या बताया जा रहा है इसको हम देखेंगे, तो पहले इसको हमें रेज करना पड़ेगा। रेस करने के लिए कहते हैं आगी। जी। आगी ये केस रेस करना पड़ेंगे, ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हमने इसे स्टडी कर लिया है, तो क्या होगा कहते हैं पहले केस में हमने पढ़ा कि जो मैसेज थे दोनों मैसेज इक्वल थे, ठीक है, मैस 1 और मैस 2 इक्वल थे और वो दोनों कंबाइन इक्वल हमने कर लिए किसके, एक मैस एम के, दोनों केसेस में यही हुआ कि मैसेज इक्वल थे और वेलोसिटी इनकी जो चेंज हुई थी वो हमने डिस्कस की। पहले केस में हमने कहा कि जो वेलोसिटी आपके पास आती है, ठीक है, मैस M2 की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो मैस M1 की फाइनल वेलोसिटी बन जाती है, सेम लाइक दैट एक्सचेंज होकर दूसरे मैस के साथ भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो दूसरे केस में हमने कहा कि जो मैस आपके पास दोनों इक्वल है लेकिन एक मोशन में और दूसरा रेस्ट में है, ठीक है, तो जो पहला जाकर टकराएगा उसने टकराने के बाद खुद स्टॉप हो जाना है और दूसरे को मोशन में नहीं जाना है, तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसको चेंज हो गई, ठीक है, फिर से वेलोसिटी का चेंज हो जाए, तो सेम प्रोसेस हमने पढ़ स्टडी किए दोनों में। अभी दोबारा से हम इनको देखते हैं केस नंबर 3 में क्या आएगा और केस नंबर 4 में क्या आएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा, इसमें भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं स्टूडेंट केस नंबर 3 में आपने क्या करना है, आप व्हेन द लाइटनिंग डैश M1 कोलाइड विद द मैसिव बॉडी M2 एट रेस्ट, कहते हैं कि आपके पास अब दो मैसेज है, दोबारा से मैसेज दो ही है, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जो मैस M1 था वो मैस था स्मॉल यानी छोटा था लाइटर था और वो जाकर टकराता है एक हायर मैस M2 के साथ, ठीक है, यानी जो आपके पास M2 मैस आ रहा है वो बड़ा है और M1 जो मैस आ रहा है वो आपके पास छोटा है। केस नंबर 3 केसरी कहते हैं व्हेन M1 इज लेस देन M2 एंड कोलाइड विद M2 विच इज एट रेस्ट, ठीक है, M2 जो था वो क्या था हायर था और M1 जो था वो लाइटर था, क्या हुआ M1 जो था वो जाके टकराया M2 के साथ और M2 दोबारा से उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है
यानी वो रेस की हालत में है, तो रेस की हालत में ही उसे जाके उसको टकराना है। टकराने के बाद का प्रोसेस क्या होगा उसको हम देखते हैं। कितने दो ऐसी ले लें, एक मेरा स्मॉल है, एक मेरा थोड़ा सा बड़ा है, ये एम वन, ये एम टू, इसकी वेलोसिटी वी वन, इसकी वेलोसिटी वी टू इज इक्वल टू जीरो। सेम दोबारा वही मैस, ठीक है, कंसीडर करें आप, ये जो प्रोसेस था बिफोर कोलिजन, और दूसरा प्रोसेस जो आपके पोल कोलिजन क्या होगा टकराने के बाद का प्रोसेस, मैस वही दोनों M1 और M2, ठीक है, आफ्टर को लिए इनकी वेलोसिटी क्या होगी जो हमें प्रूव करनी है वो देखते हैं। कहते हैं इस केस में आपके पास जो V1 प्राइम है वो बन जाएगी नेगेटिव V1, V1 प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव V1, और V2 प्राइम जो रहेगी वो भी जीरो ही रहेगी। कैसे, मतलब कि जब आपके पास एक भारी वजन है, ठीक है, उसके साथ एक लो वेट जाके टकराए तो क्या होगा, जो हैवी वेट है उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी रेस की हालत में ही मौजूद रहेगा, ठीक है, जरा भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो लाइटर मैस उसके साथ जाके टकराया था वो वापस बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है, टकराने के बाद वापिस आ जाएगा, तो वापिस आने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बन जाती है नेगेटिव, यानी पहले का नेगेटिव आती सेम है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव हो आ जाती है क्योंकि डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है तो वो नेगेटिव आएगी। तो क्या करेंगे, पहले केस में के लिए जब v1 प्राइम नोट करेंगे, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v2। अब इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो m1 है वो बहुत छोटा है, तो m1 को हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और m2 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे दो भी देख सकते हैं, यानी m1 की जगह आपने जीरो पुट करते जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। सेम इधर आप लिख सकते हैं, यानी सिंस यहां दैट इज M1 is equal to zero, जो M1 आपके पास आ रहा है वो जीरो आ रहा है, as compared to two, P1 prime is equal to zero minus M2 divided by zero plus M2, V1 plus two M2 zero plus M2, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी V2, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, इस केस में आप करें माइनस M2 डिवाइडेड बाय प्लस M2, साथ में आ रहा है V1 प्लस V2, आपके पास क्या वैल्यू थी V2, इधर आप पुट करेंगे जीरो, ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं जो दूसरा मैस है वो अगेन एट रेस्ट है, ठीक है, जो दूसरा मैस आपके पास था यानी कि जो हैवी मैस था वो रेस्ट की हालत में ही है, और इस केस में आपने क्या करना है उसकी जो वैल्यूज को फाइंड करेंगे, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास 2m2 यानी जीरो के साथ ये सारे टर्म मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी जीरो, ठीक है, जीरो के साथ आप जिस मर्जी टर्म को मल्टीप्लाई कर ले आंसर में भी इक्वल टू जीरो, तो इस टर्म को जब हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा जीरो। तो ये देखिए m1 m2 m2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1, ठीक है, और जब इस पे जीरो ऐड होगा तो वो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो v1 का आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है V1 prime is equal to negative of V1, ठीक है, V2 prime
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी वन, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने इधर भी ये लिखा था कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वी वन प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव वी वन। जब हम दूसरी की बात करते हैं वी टू के लिए, वी टू प्राइम इज इक्वल टू टू एम वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई बाय वी वन प्लस एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू वी टू। अब अगर वैल्यू पुट करें एम वन की जगह आपके पास जीरो आता जाएगा, जिधर जिधर एम वन है उधर जीरो, टू इंटू जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस एम टू इंटू वी वन, वी वन इधर ये भी जीरो आ गया प्लस एम टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस एम टू इंटू वी टू। ठीक है, इस केस में क्या आएगा आपके पास वी टू प्राइम इज इक्वल टू जीरो और सब मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम टू इंटू वी टू। ठीक है, आपके पास क्या आएगा इस केस में, केस नंबर थ्री डिस्कस कर रहे हैं वो जीरो आना चाहिए आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास क्या आएगा एम टू माइनस जीरो जीरो प्लस, ठीक है वी टू भी आपके पास क्या आ रही थी इस केस में वी टू भी जीरो थी। ठीक है वी टू क्या जीरो, वी वन नहीं था जीरो, ठीक है वी टू जीरो थी। ठीक है अब इस केस में देखिए जीरो टू को जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपने तो आंसर सारा जीरो आ जाना है और जीरो ओवर समथिंग सारा आंसर जीरो और जीरो को जब आप वी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो। इधर जब आपके पास आ रहा है वी टू जीरो आ रहा था, ठीक है तो जीरो के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो वी टू प्राइम इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, तो वी टू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। Hence this is also proved that के जो v1 prime था वो equal आ रहा था negative of v1 के और जो v2 prime था वो equal आ रहा था zero के। ठीक है ये हमने prove करना था according to this situation according to this figure diagram, तो ये हमने prove कर लिया। अब इसका result देखिए, कहते हैं after collision less m2 remains less after collision After collision, mass M2 remains at rest and mass M1 bounces back with same speed and mass M and M1 bounces back with same speed, ठीक है back move करता है with same speed as before collision, ठीक है collision से जो पहले की वो speed थी उसी speed के साथ वो वापस की तरफ move करता है। इसी वजह से हमने अपने answer के साथ क्या लिखा हुआ है कि जो answer आ रहा है वो answer आ रहा है negative of v1। ये था आपके पास case 3। अगर हम बात करें case number 4 की, तो केस नंबर 4 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आता है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। केस 4 आपके पास क्या आएगा, केस 4 में कहते हैं जब आपके पास मैसिव बॉडी m1 कोलाइड विद लाइटर बॉडी m2 एट रेस्ट। ठीक है जब अब केस उल्टा हो गया 3 से, 3 में हमने कहा था जो मैस m1 था वो लाइटर था और m2 हाइट था लार्जर था, इस केस में क्या होगा कि m2 लार्जर हो जाएगा और m1 लाइटर हो जाएगा। ठीक है फिर क्या होगा when m1 is greater than m2, ठीक है m1 is greater than m2, ठीक है collide with
एंड एम वन कोलाइड विद एम टू एट रेस्ट। ठीक है, फिर उससे इसी केस में जो आपके पास v2 आएगा वो जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2, सो m2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ठीक है, और v2 भी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। तो इस केस में आपके पास क्या सीन बनेगा वो हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अब जो डायग्राम बनेगी इस केस में वो कुछ इस तरह से होगी। एम वन और एम टू ये भी फोर को ले जाए, ये थी बी वन और ये थी बी टू, फिर से इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी टू जीरो केस में आपके पास जीरो ही आ रहा है क्योंकि वो एड्रेस आ रहा है। ठीक है, आपने बोले क्या होगा, एम वन एम टू थीटा के साथ आपके पास आ रहा है, आपने बोले इनकी जो वेलोसिटीज है फिर से वो चेंज हो जाएंगी, वी वन प्राइम बन जाएगी वी वन, v1 प्राइम बन जाएगी v1 इज इक्वल टू v1 एंड v2। ठीक है, टू टाइम्स ऑफ v1, v1 की दो गुना बन जाएगी टू टाइम्स ऑफ v1। ये इस केस में आपने इसको जरा डिस्कस करना है। ठीक है, ये जरा आपने गौर से इसको देख लेना है कि दोबारा से देख लें कि जो हमारे पास केस आ रहा था, केस क्या है कि आपके पास दो मैसेज है, दोनों में से जो पहले वाला मूव कर रहा है वो बड़ा है और जो डेस्क पे पड़ा हुआ है वो छोटा है। ठीक है, छोटे की जो वेलोसिटी है इनिशियल वो जीरो है और जो बड़ा मैसेज है उसकी वेलोसिटी वी वन है। आफ्टर कूलिंग क्या होगा कि जो वी वन यानी बड़ा मैसेज है वो तो अपनी स्पेसियस स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो वी वन आएगी। और उसके बाद जो लाइटर डैश था, लाइटर डैश की जो वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा था तो टकराने जब हैवी मैस उसके साथ जाके कोलाइड करेगा टकराएगा तो जो मैस छोटा था उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी कि वो टू टाइम्स हो जाएगी वी वन के। ठीक है, वी वन के टू टाइम्स हो जाएगी, यानी जितनी स्पीड से ये आ रहा था वैसे वन उसे दो स्पीड से मूव करेगा एम टू। ठीक है, ये सारा केस इसमें बताया जा रहा है। अब अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कहते हैं वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन प्लस टू एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू v2। अब इस केस में आपके पास स्टूडेंट v1 प्राइम देखिए m2 भी 0 है v2 भी 0 है, m1 minus 0 divided by m1 plus 0 into v1 plus 2 into 0 divided by m1 plus 0 into 0। यानी इसमें देखिए तीन जीरो आ रहे हैं, ओवर के ऊपर भी जीरो, ओवर के नीचे भी जीरो, ब्रैकेट के बाहर भी जीरो, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस 0 इज इक्वल टू m1, m2 प्लस 0 इज इक्वल टू m1 इनटू v1 प्लस 0, ये इसके साथ कट गया बाकी रह गया 1। तो v1 प्राइम को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा v1। तो यही हमें प्रूव करना था, वैल्यू आपके पास आ गई v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। सेम लाइक दैट अगर आप v2 प्राइम के लिए वैल्यूज निकालें तो v2 प्राइम के लिए क्या वैल्यूज आएंगी इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m
साथ में आ जाएगा v2। अब अगर वैल्यूज को पुट करें आंसर क्या आएगा, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0, ठीक है, v1 प्लस 0 माइनस m1 m1 प्लस 0 इंटू 0। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने दोबारा से किसके अंदर, वैल्यूज हमने पुट की v2 प्राइम वाले फार्मूले में जहां से हमने v2 प्राइम निकाला था। तो इधर आपके पास क्या आएगा, v2 प्राइम 2m1 एज इट इज, m1 प्लस 0 m1 इंटू v1 प्लस 0 के साथ किसी को भी 0 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आंसर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो सारा 0 आ जाएगा। यानी कि देखिए m1 m1 के साथ कट गया, 2 बचा तो 2 को अगर v1 से मल्टीप्लाई करें v2 प्राइम इज इक्वल टू 2 v1 प्राइम, और इसमें अगर 0 प्लस कर दे तो आंसर एज इट इज कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेंस दिस इज आल्सो प्रूव्ड दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2 विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, विल बी इक्वल टू इनिशियल 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1। यानी मास m1 की जो वेलोसिटी थी m2 की फाइनल वेलोसिटी उससे 2 गुना आएगी, ये हमने प्रूव कर लिया। एंड आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। अब इसका रिजल्ट देखें, यदि आप लोग को लगे मास m1 मूविंग सेम वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन मास m1 मूव्स विद सेम वेलोसिटी m1 की जो डबल वेलोसिटी होगी उसके साथ वो मूव करता है, विद वेलोसिटी डबल द स्पीड ऑफ m1, वेलोसिटी डबल वेलोसिटी ऑफ m1 ऑफ m1। तो ये स्टूडेंट आपने प्रूव कर दिया, चार केसेस थे आपके पास, और ये चारों केसेस ही इनको कह सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, चूंकि चारों केसेस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, या लॉन्ग के तौर पर ना आए तो आपको सेपरेटली एक एक केस के मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर सेम मैसेज, ठीक है, मूविंग विद सेम वेलोसिटी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, तो आपने इसको प्रूव करना है सेम इसी तरह। बाकी केसेस की जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई है उनके मतलब भी पूछा जा सकता है, आपने स्टेटमेंट को भी याद रखना है। और इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जब आपके पास मास m1 ग्रेटर होगा m2 लार्जर होगा, मास m1 स्मॉल होगा m2 लार्ज होगा, तब क्या प्रोसेस आएगा, जब m2 स्मॉल होगा m1 लार्ज होगा तब क्या प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या प्रोसेस यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, ठीक है, आसान सा टॉपिक है, लेंथी भी जरूर है लेकिन मुश्किल जरा भी नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, एंड आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो मिस नहीं हुआ होगा, कोई भी आपको सारी समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास इतना ही काफी है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।